अस्सलामुअलैकुम, पॉपुलर न्यूज के साथ मैं हूँ राबिया रफीक। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डेंगू पे काबू हो गया, 24 घंटे के दौरान मजीद 17 नए केसेस रिपोर्ट। डेंगू के तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 392 हो गई, मुश्तबा मरीजों की तादाद 7000 के करीब पहुंच गई। महकमा सेहत और जिला इंतजामिया की डेंगू लार्वा को तल्फ करने के लिए कार्रवाइयां जारी। बरतानिया के शाही जोड़े का लाहौर में मसरूफ दिन। बरतानवी जोड़े का SOS विलेज शौकत खानम और क्रिकेट एकेडमी के अलावा अंदरून और तारीखी मुकामात की सैर भी शेड्यूल। पाकिस्तानी लोगों के दिलों में शाही मेहमानों का एहतराम है, वजीर आला उस्मान बोजदार का बयान। लाहौर एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल ताहाल मुतासिर, अंदरून और बैरून जाने वाली 14 परवाजें मनसूख, 4 ताखीर का शिकार। उधर रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। सरकारी नर्ख नामे कोई न माने, सब्जी मंडियों में दुकानदारों के अपने ही रेट। प्याज 60 रुपए के बजाय 80 रुपए किलो फरोख्त, लहसुन की कीमत 250 के बजाय 280 रुपए मुकर्रर, अदरक 350 के बजाय 400 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। ब्रॉयलर मुर्गी की कीमत में मजीद 5 रुपए इजाफा, कीमत 218 से बढ़कर 233 रुपए फी किलो हो गई। DPO जूनियर सैयद हुसनैन हैदर ने पुलिस यूनिफाइड कम्युनिकेशन एंड रिस्पांस 15 का विजिट किया, काम करने के तरीके कार का जायजा लिया। इस मौका पर इंचार्ज पुकार 15 जवार इकबाल भी मौजूद थे। DPO ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि पुकार 15 के नाम से एक जदीद मुंजिम और मजबूत कम्युनिकेशन एंड रिस्पॉन्स सिस्टम बनाया गया है, जिसकी बदौलत किसी को भी नागहानी सूरत में एमरजेंसी में 15 पर कॉल करने पर पुलिस फौरी तौर पर रिस्पॉन्स करेगी। पुलिस के ये पुलिस की कारकर्दगी के बारे में कॉलर से फीडबैक भी लिया जाएगा। न्यूज रूम से फिलहाल इतना ही, मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर न्यूज।